हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल बायोरेल में। पिछले वीडियो में हमने देखा था लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो हमने एक मोनो हाइब्रिड क्रॉस के जरिए हमने वो लर्न किया था, जिसमें हमने देखा था कि अगर वन पेरेंट है वो डिफरिंग इन वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, टू पेरेंट्स है मतलब एक मेल और एक फीमेल, जो कि एक कैरेक्टर में डिफर करते, वो पेरेंट्स अगर हमने क्रॉस किया तो F1 जनरेशन में जो है एक ही कैरेक्टर वहां पर एक्सप्रेस होता है। जो कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है उसे हम डोमिनेंट कैरेक्टर कहते हैं, जो कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं होता उसे हम रिसेसिव कैरेक्टर कहते हैं। तो ये जो है दैट इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसके बाद में हमने ये भी देखा कि इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है, जिसमें कि हमने एक एग्जाम्पल लिया था एंजाइम का। एक जो फंक्शनल एलील होता है वो नॉर्मल एंजाइम प्रोड्यूस करता है, जो कि कैरी आउट करता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सबस्ट्रेट। उसका जो मॉडिफाइड अलील होता है, जिसे हम रिसेसिव के नाम से आगे जानेंगे, वो क्या करता है, वो आइदर नॉर्मल प्रोड्यूस करता है या लेस एफिशिएंट, ये पहला केस हो गया, या तो फिर वो नॉन फंक्शनल एंजाइम प्रोड्यूस करता है, ये दूसरा केस हो गया, या तो फिर वो एंजाइम प्रोड्यूस ही नहीं करता, ये तीसरा केस हो गया। सो इन तीनों केस में क्या होगा, वो जो अलील है वो क्या होगा, वो डिफेक्टिव होगा या मॉडिफाइड अलील होगा, जिसे हम रिसेसिव कहते हैं, और इसके वजह से वो जो कैरेक्टर जो है वो एक्सप्रेस नहीं होगा। देयरफॉर इन रिसेसिव कंडीशन इफ देयर इज अनदर अलील व्हिच इज डोमिनेंट व्हिच इज हैविंग फंक्शनल कॉपी, द रिसेसिव कैरेक्टर विल नॉट गेट एक्सप्रेस। तो ये भी हमने जाना, लेकिन इसको जो है एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डोमिनेंस को, जैसे कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जैसे कि को डोमिनेंस। एक तीसरा लॉ भी है मेंडल जी का, जो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसको भी एक्सेप्शन है, जो कि है लिंकेज में हम उसे देखेंगे। लेकिन आज जो अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को कोई भी यहाँ पर एक्सेप्शन नहीं है। ये जो मेंडल जी का लॉ है दैट इज द यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लॉ। तो बच्चों देखते हैं क्या है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो सेग्रीगेशन का मतलब है टू गेट सेपरेट, सेग्रीगेशन का मतलब है टू गेट सेपरेट। सेपरेट मतलब क्या, अलग होना। सेपरेट होना मतलब क्या, अलग होना। तो जैसे कि इसका नाम है वही उसको उसके स्टेटमेंट में भी दिया हुआ है। देखिए क्या स्टेटमेंट है उसका, हम दूसरा कलर लेंगे उसके लिए। ओके, तो स्टेटमेंट क्या है बच्चों, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट ईच जीन सेपरेट्स from each other, so that each gamete carries only one allele for each gene. एक जीन के लिए एक ही एलील होगा एक गैमेट में। ओके, अभी हम फिर से पढ़ते हैं और लाइन टू लाइन समझते हैं इस बात को। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, अभी गैमेट कब फॉर्म होते हैं, जो भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स है उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है उनमें एक प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, वो होता है मियोसिस, जिसमें कि क्रोमोसोम नंबर जो होता है वो हाफ होता है, रिड्यूस टू हाफ। ये स्पेशल टाइप ऑफ सेल डिवीजन है जिसमें कि क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस टू हाफ, और ये सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअली और जर्म सेल जिसे हम कहते हैं उसमें ही मियोसिस होता है। तो क्या होता है बच्चों, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, गैमेट कब फॉर्म होते हैं, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मियोसिस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या होता है, ईच जीन सेपरेट्स फ्रॉम ईच अदर। ओके, जो जीन है वो दूसरे जीन से सेपरेट होता है, और जो भी जीन है या अलील है वो अलग गैमेट में जाता है। मतलब जो अभी भी पेयर में अगर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, फिर भी जब भी मियोसिस होगा तब वो गैमेट अलग अलग गैमेट में एंटर करेंगी, जिसे हम समझते हैं वही एग्जाम्पल
मोनो हाइब्रिड रेशियो का जो एग्जाम्पल है उसे हम लोग वो समझते हैं। देखिए अभी यहाँ पर हम लोग लेंगे एक एग्जाम्पल जो कि अपना मोनो हाइब्रिड रेशियो का एग्जाम्पल है, ये है कैपिटल टी और उसका क्रॉस बिंडल जी ने किया था स्मॉल टी। अभी देखो ये क्या है, ये है बच्चों आपका डॉर्फ प्लांट और ये जो है आपका वो है टॉल प्लांट। ओके तो इसमें दो अलील है, जो अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन है। अलील मतलब क्या, स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन, और यू कैन ऑल्सो से दैट इट इज द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। तो इसमें देखिए दो जो अलील है, ये है अलील वन, ये है अलील टू। ये क्या अलील है, ये कंटेन सेम काइंड ऑफ, मतलब इसे हम अलील नहीं कह सकते, एक ही अलील है जो कि है अलील फॉर टॉलनेस। यहाँ पर जो अलील है ये है अलील फॉर, ये एक और दो दोनों भी है, जीन कहेंगे हम इसे, अलील नहीं कह सकते। जीन वन और जीन टू ये दोनों भी किसके लिए है, डॉर्फनेस के लिए। यहाँ पर भी जीन वन और जीन टू जो है वो सेम ही है जो जीन कोड करते हैं टॉलनेस के लिए, मतलब प्लांट की हाइट। प्लांट हाइट इज द कैरेक्टरिस्टिक फॉर विच टू अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन एग्जिस्ट। एक जो है वो अलील जो है वो टॉलनेस प्रोड्यूस करता है, दूसरा जो अलील है वो है डॉर्फनेस प्रोड्यूस करता है। तो मेंडल जी ने यहाँ पर क्या किया, इनका जो किया क्रॉसिंग किया, जिसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन। अभी देखिए यहाँ पर टी टी, अभी ये जो है पेयर में है, कैरेक्टर्स पेयर में है, अलील्स दो पेयर है, एक पेयर में दो क्रोमोसोम होंगे। तो ये पेयर में जब है, लेकिन अभी जो मियोसिस होगा तो मियोसिस में क्या फॉर्म होगा, गैमिट्स फॉर्म होगा। मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, ओके ये जो है ये राउंड जो है वो क्या है, ये है आपके गैमिट्स। ओके तो ये जो है ये टी ये जो है सेम काइंड ऑफ जीन है। तो ये एक जो जीन है, या एक जो, एक मिनट हम दूसरा कलर लेंगे, ये टी किसमें जाएगा, ये टी इसमें जाएगा, ये जो टी है वो किसमें जाएगा, ये टी इसमें जाएगा। और सिमिलर वे दूसरा हम यहाँ पे डॉर्फ का देखेंगे, तो इसमें ये जो स्मॉल टी है ये किसमें जाएगा, इसमें जाएगा, और दूसरा जो है ये इसमें जाएगा। अभी देखो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है, तो इसमें हम देखेंगे कि देखिए ईच गैमेट कैरीज ओनली वन एलील फॉर ईच जीन। देखिए ये जो है एक गैमेट में कितना अलील है, ओनली दिस एक, इसमें एक ही अलील है, एक ही जीन का एक ही अलील है, इसमें भी एक ही है। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है बच्चों, कि जब भी वो डिप्लॉयड या होमोजाइगस जो इंडिविजुअल है, डिप्लॉयड मतलब टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम उसमें होते हैं, तो जब भी मियोसिस होता है तब एक जो अलील है वो सेपरेट गैमेट में एंटर करता है, मतलब एक गैमेट में एक अलील एंटर करता है, दूसरे गैमेट में दूसरा अलील एंटर करता है। मतलब ऐसे नहीं होगा, अभी ये जो टी है ये दोनों का दोनों टी इसमें चला जाएगा, यहाँ पर टी टी ऐसे हो जाएगा और इसमें कुछ भी नहीं रहेगा, जैसे कि हम लोग देखते हैं यहाँ पर इरेज करके थोड़ा सा, देखिए यहाँ पर ऐसे नहीं होगा, देखिए यहाँ पर ऐसे नहीं होगा कि ये जो दोनों टी है वो इसमें आ गए और इसमें कुछ भी नहीं आया, ऐसे नहीं होगा। एक टी
एक गैमेट में एंटर करेगा, दूसरा टी दूसरे गैमेट में, दूसरा अलिल दूसरे अलिल दूसरे गैमेट में यहां पर एंटर करेगा। ओके, तो यही है बच्चों लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मतलब क्या कि जो अलील से दे डोंट गेट मिक्स्ड, डू नॉट मिक्स विथ ईच अदर, ईच अदर जो अलील है अलील्स, ओके दे डू नॉट मिक्स, मतलब एक के साथ दूसरा नहीं जाता, वो सेपरेट होते हैं। क्योंकि मियोसिस में हमें पता है कि क्रोमोसोम नंबर जो है वो हाफ रिड्यूस होता है हाफ को, तो इसके वजह से इसको जो है जो गैमेट है, जो गैमेट यहाँ पर प्रोड्यूस होने वाले हैं, वो गैमेट क्या होगा, उसमें सिर्फ एक अलील एक ही जीन का होगा, तो गैमेट क्या होगा बच्चों, ये प्योर गैमेट होगा, इसमें दूसरा कुछ भी एड नहीं होगा। इसलिए इसलिए इस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को और एक नाम से जाना जाता है, उसे हम कहते हैं लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स। मतलब एवरी जो गैमेट होता है, अभी ये देखो यहाँ पर ये गैमेट हो गया, ये गैमेट हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सब गैमेट क्या है, प्योर है, इसमें कोई भी मिक्स दूसरा अलील इसमें नहीं आया, नहीं आ सकता, एक ही अलील उसमें होता है, देयरफॉर जो गैमेट्स होते हैं वो प्योर होते हैं उसके अलील्स के लिए, तो उसमें इसके वजह से इसको क्या कहते हैं हम, लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट। ओके, और ये जो लॉ है ये मैंने आपको पहले बताया कि ये जो लॉ है ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लॉ है। मतलब मेंडल जी के जो तीन लॉज है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसमें लॉ ऑफ डोमिनेंस को एक्सेप्शन है जो हम आगे देखेंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस या को डोमिनेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो हम आगे देखने वाले हैं उसको भी एक्सेप्शन है, जिसे हम कहते हैं लिंकेज, वो भी आगे आने वाला ही है। लेकिन ये जो दूसरा लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लॉ है बच्चों, इसको कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। एमसीक्यू में ये आ सकता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लॉ, सिंपल अगर क्वेश्चन पूछा, इतना सिंपल तो नहीं पूछेंगे लेकिन पूछा तो आपको पता होना चाहिए कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज द यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लॉ, जिसे कि लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो लॉ उन्होंने फॉर्मुलेट किया है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, उसका बेसिस क्या है, तो बेसिस है उसका दो, ये जो पॉइंट्स मैंने लिखा है कि अलील्स डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग। मतलब क्या कि अलील्स में या तो वो टॉल होगा या तो फिर वो कंप्लीटली डॉर्फ होगा। ओके, तो उसमें जो अलील है मिक्स, एक ही अलील में दोनों कैरेक्टर नहीं आ सकते, एक तो वो टॉलनेस का अलील होगा या तो फिर वो डॉर्फनेस का अलील होगा। तो ये जो है अलील्स वो ब्लेंडिंग मतलब मिक्स जो कैरेक्टर है वो शो नहीं करते, ये एक बेसिस है उसके लिए। और दूसरा जो है, मतलब डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट मेंडल गॉट ओनली टॉल प्लांट्स इन F1 जनरेशन, दूसरा जो है F2 जनरेशन उसमें उनको डॉर्फ प्लांट मिले थे। डॉर्फ प्लांट मिले थे मतलब जो कि F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर गायब हो गया, मतलब उनको F1 में सिर्फ टॉल ही मिले थे, तो वो कैरेक्टर वो दिखा ही नहीं कहाँ पर भी मेंडल जी को, लेकिन वो कैरेक्टर रिकवर हुआ कहाँ पर, F2 जनरेशन में, जहाँ पर हमको 3:1 रेशो मिला, तो 1 डॉर्फ प्लांट हमको मिला था, तो ये कैरेक्टर रिकवर हुआ। ये किसकी वजह से पॉसिबल हुआ, क्योंकि वो कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर के साथ मिक्स नहीं हुआ, हालांकि वो एक्सप्रेस नहीं हुआ F1 जनरेशन में, लेकिन उसका जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी था वो इंटैक्ट था, और बाद में जब वो गैमेट्स में गए अलील्स फिर से, क्योंकि वो सेपरेटली वो जाते हैं, एक गैमेट में एक अलील जाता है, तो वो उसका जो अलील था रिसीव का वो भी गैमेट में गया, और जब उनको सुटेबल कॉम्बिनेशन होमोजाइगस कॉम्बिनेशन का कंडीशन वहाँ पर मिला तो वो एक्सप्रेस हुआ। तो वो जो कैरेक्टर है वो रिकवर हुआ है F2 जनरेशन में,
ये दो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसके बेस पे ये जो है वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यहाँ पर मेंडल जी ने बताया था। आई होप आपको ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या जिसे लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट भी कहते हैं वो आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी आपको डिफ़िकल्टी हो तो मुझे वो कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए, मैं आपको ज़रूर ज़रूर उसका आंसर दूंगा। और बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे लिए ये दो या दो थिंग्स कीजिए। पहले तो वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको ये पसंद आता है, और आप इसे प्लीज़ आपके फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ेंगे उतना मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, इतना मेरा हार्डवर्किंग का विल पावर बढ़ेगा। तो आपके लिए मैं आप मेहनत करता रहूँगा, लेकिन आपको भी चैनल को ग्रो करने में मेरी हेल्प करनी होगी। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये सब्सक्राइब करो, आप सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर करो। और ये जो वीडियोस है ये कम्प्लीटली फ्री वीडियोस है, और आपको कोई भी डिफ़िकल्टी होगा, प्रॉब्लम होगा तो वो भी हम सॉल्व करेंगे। और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से आप अगर ये कह रहे हो कि सर ये तो थ्योरेटिकल नॉलेज है, प्रैक्टिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करेंगे, उसमें बहुत डिफ़िकल्टी आता है, उसका भी बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। उसमें हम सेपरेट से अलग अलग एक एक टॉपिक पे जो आए हुए एग्जाम क्वेश्चंस है या फिर वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है वो सब के सब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा जिस पर हम लोग प्रॉब्लम्स या क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।